Hello everyone, happy new year to all of you. Welcome back to my channel. और time हुआ है सुबह के 11 बजने वाले हैं, बस 3 मिनट बाकी हैं और सब लोग लेट जागे थे. मैं और शर्मा जी भी लेट जागे थे, बच्चे भी बस थोड़ी देर पहले जागे हैं. एक्चुअली सबकी छुट्टियां चल रही हैं तो शर्मा जी और मेरी तो सुबह की एक चाय तो हो चुकी है. वक्त है नाश्ते का, नाश्ता बनाने लगी हूँ मैं और आज बहुत ही सिंपल सा मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ. आप मुझे बताइएगा आप में से कितने लोगों ने वो बचपन में हम लोग मलाई और चीनी की टोस्ट खाते थे ना, ब्रेड के ऊपर मलाई लगा के चीनी डाल के, तो वो मैं कभी कभार बनाती हूँ. मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं. जब मैं छोटी थी हम लोग तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाते थे. मम्मी बीमार हो गए हैं या किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से मम्मी ने खाना नहीं बनाया है तो हम लोग तो क्या करते थे, ब्रेड लाया मार्केट से और जितने भी दूध के ऊपर मलाई होती थी वो निकाल के खुद ही टोस्ट बना के उसका चीनी भी नहीं लगा के खा लेते थे. और कोइंसिडेंटली मतलब बाद में जब हमारी शादी हो गई ना तो हम लोग जैसे अपने बचपन के बारे में बात करते हैं, आई एम श्योर आप भी आपके हस्बैंड के साथ बातें करती होंगी कि हम लोग बचपन में ऐसे ये सब करते थे. तो जब मैंने अपनी ये मेमोरीज शर्मा जी के साथ शेयर करी तो पता चला कि उनकी भी कॉमन मेमोरीज है, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है मलाई चीनी वाला टोस्ट. तो मैं बेसिकली तो बनाने जा रही हूँ सैंडविच, चाय वाय बनाऊंगी, सैंडविच बनाऊंगी पर दो एक है ना वो मलाई वाले टोस्ट भी बनाऊंगी, रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी. और बनाने लगी हूँ मैं चीज़ वाले सैंडविच, चाय और चीनी मलाई वाले टोस्ट एक साथ सब कुछ बनाते हैं. और इसके बाद आज के एजेंडा में है बाहर जाने का है, हमको कुछ नया खरीदने का हम लोग प्लान कर रहे हैं तो देखते हैं अगर आज सब कुछ ठीक रहा तो बुक करके आ जाएंगे हम लोग. क्या खरीदने वाले हैं ये मैं आपको धीरे से बाद में बताऊंगी. ओके और ये देखिए मेरा कढ़ाई, ये बहुत जल गया था उस दिन जब भटूरे बनाए थे ना तो बहुत जल गया था और आप लोग भी बहुत वरिड थे कि ये कैसे साफ करोगे, दी करोगे तो बताना. तो यार मैंने इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं लगाया है, वो जो लोहे वाला जूना होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, ये होता है ना ये, बस इससे मैंने उसको घस दिया, थोड़ा एक बार गरम किया और फिर उसको घिस दिया. और ये एक ही दिन में साफ नहीं हो गया है, 3-4 दिन लगे हैं मुझे इसे साफ करने में. थोड़ा थोड़ा साफ किया, थोड़ा थोड़ा रह जाता था, उसके बाद फिर ये घिस घिस के अभी पीछे से देखिए क्या हालत है. पर ये भी धीरे धीरे घिसते घिसते साफ हो जाएगा, अंदर से तो खैर साफ हो गया, हमें तो मतलब तो बस अंदर से है ना. तो बस मैं तैयारी शुरू करूंगी अभी नाश्ता बनाने की. मैंने बेसिकली एक बर्तन में निकाल लिया है दूध चाय बनाने के लिए और दूध के ऊपर जो मलाई थी वो मैंने निकाली है दूसरे बर्तन में. और यहाँ तीसरे बर्तन में मैं तैयारी कर रही हूँ चीज़ सैंडविच की. मैंने फ्रोज़न कॉर्न लिया है और इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा चीज़, मसालों में मैंने डाला है पिज़्ज़ा का सीजनिंग, मिक्स्ड हर्ब्स और थोड़ा सा पीरी पीरी जो पाउडर आता है ना, पीरी पीरी स्पाइस. आप चाहें तो नॉर्मल मिर्ची गरम मसाला वगैरह भी डाल सकते हो, आप अपना टेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं. और इसके बाद ज़रा सा नमक, क्योंकि इन सभी चीज़ों में अपना अपना नमक है, नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा. और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें बिल्कुल पिंच गरम मसाला और इसके बाद इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे. आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियाँ आपकी चॉइस की आप ऐड कर सकते हो, और भी मसाले आपकी चॉइस के आप ऐड कर सकते हो, मेयोनीज़ केचप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं बस इतने ही मसालों के साथ सैंडविच बना रही हूँ. तो जो चीज़ सैंडविच का मसाला है ये हो गया तैयार. मैं अभी जो मलाई है ना इसमें से दूध मैंने हटा दिया है, सिर्फ गाढ़ी मलाई ले ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कैस्टर शुगर. कैस्टर शुगर थोड़ी फाइन शुगर होती है, मेरे पास थी इसलिए मैंने इस्तेमाल करी, आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी भी डाल दीजिए, वो भी धीरे धीरे घुल ही जाती है. इसके बाद मैंने ले लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस. और जो ये मलाई वाले सैंडविच होते हैं ना ये वाइट स्लाइसेस में बहुत अच्छा लगता है, पर आप चाहें तो आप होल व्हीट ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हो. इसके एजेस मैंने निकाल दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें रख सकते हैं. और इसके बाद इसके ऊपर मिलाइए, मतलब लगाना है आपको एक लेयर मलाई और चीनी का जो आपने मिक्सचर बनाया था.
यहाँ पर आप अगर चाहें तो स्लाइसेस के ऊपर पहले बटर लगा दीजिए, फिर मलाई लगा दीजिए, या इस तरह डायरेक्ट मलाई भी लगा सकते हो। बोथ वेज इट वर्क्स फाइन, टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इट्स जस्ट दैट कि आप ज़्यादा बटर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मलाई को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद दूसरे सैंडविच से कवर कर दीजिए, दूसरे ब्रेड स्लाइसिस को सैंडविच जैसा बना दीजिए, कवर कर दीजिए और बटर लगा के दोनों तरफ से इसे साधारण तवे पर मैंने सेक लिया है। इसे सैंडविच मेकर में मत बनाइएगा क्योंकि वो है ना ब्रेड को प्रेस कर देता है, तो इसका ना वो मज़ा नहीं आएगा। इसे तवे पे बनाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा और आपके बच्चों को ज़रूर खिलाना है सब बना के, वो लोग फ़ैन हो जाएंगे, आए दिन आपसे ये वाले सैंडविचेस मांगेंगे। एंड आई थिंक अगर आप वाइट ब्रेड की जगह नॉर्मल ब्रेड इस्तेमाल करते हो ना, व्हीट ब्रेड, तो ये एक अच्छा हेल्दी स्नैक भी हो सकता है बच्चों के लिए। और देखिए इतना सुंदर दिख रहा है ना, ये सब बढ़िया बनता है, गोल्डन गोल्डन देखने में और खाने में भी इक्वली मज़ेदार। आप जब बनाएंगे, या आपने अगर आपको चाइल्डहुड मेमोरीज हैं मेरी तरह, तो आप जानते हैं कितना यमी लगता है। और बस इसे थोड़ा थोड़ा सा सेकना है, बहुत ब्राउन मत कीजिएगा, ऐसा गोल्डन गोल्डन रहने दीजिए, दोनों तरफ से एक जैसा हनी जैसा कलर आ जाएगा ना। इसके बाद आप इसको काट लीजिए एंड ट्राई कीजिएगा, बहुत क्विक वाला स्नैक है ये, पर इक्वली टेस्टी। लुक एट इट, सो यमी इट इज़ लुकिंग। तो ऐसे तो बनाए हमने मीठे वाले सैंडविचेस मलाई के, और अभी चीज़ सैंडविच बनाने के लिए आप फिर से ले लीजिए दो स्लाइसेस ब्रेड के, इसके एक स्लाइस पे स्प्रेड कीजिए बटर, क्योंकि मैं है ना इसमें चटनी लगाने वाली हूँ, इसलिए पहले बटर लगा लीजिएगा, वरना चटनी डलते ही आपकी ब्रेड सॉगी हो जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा बटर लगा के थोड़ी सी चटनी स्प्रेड कर लीजिए। ये नॉर्मल धनिया वाली चटनी है जिसमें मैंने आंवला डाल के बनाया था कुछ एक दिन पहले, और बस इसके ऊपर जो आपने मिक्सचर तैयार किया है ना चीज़ का, ये मिला दीजिए। बिल्कुल इसी तरह से आप है ना पनीर को ग्रेट करके उसका भी मिक्सचर डाल सकते हैं सैंडविचेस में, और सैंडविचेस बहुत फटाफट बनने वाला ब्रेकफास्ट कह लीजिए आप, लंच बॉक्स रेसिपी कह लीजिए आप, बहुत फटाफट बनती है ये। एक बार आप चीज़ लेयर कर देंगे स्लाइस के ऊपर, तो दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर दीजिए और ऊपर नीचे से बटर लगा के सेक लीजिए। और इनको मैं सेक रही हूँ मेरे सैंडविच मेकर में, और मेरा ये सैंडविच मेकर थोड़ा सा छोटा है, जो स्टैंडर्ड स्लाइसेस होते हैं ना सैंडविच ब्रेड के, वो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो इसमें पूरे नहीं आते, साइड से ऐसे कट जाता है। मैं सोच रही हूँ इसको रिप्लेस करने का, और ये ठीक से ना इवनली कुक भी नहीं करता, एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन ब्राउन कुक करता है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट, इट्स जस्ट दैट कि हम लोग सैंडविचेस बहुत ओकेजनली खाते हैं, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बनाती मैं, इसलिए मुझे लगता है कि चल जाएगा, बट देन थोड़ा सा असर आता है स्वाद में भी और लुक में तो बहुत ज़्यादा। आप देखिए कितनी अच्छी चीज़ मेल्ट हुई है, बहुत यमी बनते हैं ये वाले सैंडविचेस। बस इसी तरह पैरेलली एक तरफ चीज़ सैंडविच और एक तरफ मलाई सैंडविचेस बना बना के मैं जो नाश्ता है वो पूरा तैयार कर लूँगी, और चाय भी मेरी पैरेलली तैयार हो चुकी है। आप ये सैंडविचेस ट्राई करना और इमेजेस मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना, मैं वहाँ पे आपके द्वारा बनाई गई डिशेस को हाईलाइट करती हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ मेरा चाय भी हो गया है रेडी, फटाफट से मैंने दोनों तरह के सैंडविचेस चाय तैयार कर लिए, और देखने में काफ़ी सिंपल है ये नाश्ता, पर आप बना के देखिएगा आपको एक स्पेशल वाली फीलिंग आएगी। इसके बाद ये क्लिप्स हैं शाम की, हम लोग निकले थे बाहर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ खरीदने का, तो वही देखने हम लोग गए थे, पसंद आ जाता है तो बुक कर लेंगे, ये हमारा थॉट प्रोसेस था। एंड लिटरली हमें कुछ पसंद आ भी गया, हम लोगों ने वो बुक भी कर लिया है। क्या बुक किया है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी, अभी के लिए आप गेस कर सकते हैं। बीमार शज़ाम है ये। कौन सी लिफ्ट को शज़ाम किया है तुमने? कौन सी लिफ्ट को शज़ाम किया है? उसको किया, ओपन तो ये वाली हो गई। ये शज़ाम ने
अपने पावर उस वाले लिफ्ट पे दिखाए, ओपन तो ये वाली हो गई है। शज़ाम की पावर हाथों में नहीं है, शज़ाम की पावर हाथों में नहीं, पीछे से बोली ना लिफ्ट। जी 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 घर लौटने के बाद डिनर का ऐसा मूड नहीं था, हम लोग बाहर से थोड़ा बहुत खा पी कर आए थे, लेकिन देर रात मुझे इस दिन बनाना ही पड़ा था, बिकॉज बाहर का जो खाना होता है ना यार, वो पता नहीं क्यों बहुत फिलिंग नहीं लगता, तो बाद में ना थोड़ी सी इच्छा रह ही जाती है खाने की। तो घर लौटते ही तो मैंने बनाया चाय, और ये है साबूदाना के पापड़। काफ़ी पहले मैंने लेकर आई थी ग्रॉसरी में, मैं इस्तेमाल नहीं किया था, एक ही बार इस्तेमाल किया था, उसके बाद ये रखे ही थे। तो मैं सुबह में जब क्लीनिंग वगैरह कर रही थी तो मुझे ये मिले थे, देन आई मेड प्लान कि आज शाम में चाय के साथ मैं इन्हें ज़रूर फ्राई करने वाली हूँ। तो बस शाम की चाय के साथ मैं साबूदाना के पापड़ फ्राई कर रही हूँ, और साबूदाने के पापड़ व्रत में खाए जा सकते हैं, अच्छे लाइट होते हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इन्हें, इन्हें घर पे भी आसानी से बनाया जा सकता है, हालांकि मैं तो बाहर से ही खरीद कर लाई थी। और न्यू ईयर आ चुका है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो आपने अपना न्यू ईयर ईव कैसे सेलिब्रेट किया, मैंने क्या किया, ये मैं आपको व्लॉग के थ्रू बता ही दूंगी, आने वाला है वो व्लॉग भी। और आपका मैं कैसे जान सकती हूँ, अनलेस आप मुझे बताएं, आई वुड लाइक टू नो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आज की वीडियो में आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा नॉइस हो ही रहा है, बट क्या करें, मुझे वॉइस करना ही था। तो बस इसके साथ ही आ गए हम इस वीडियो के एंड पर, मैं एंड करूँगी ये वीडियो यहीं पर, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त, और जम के न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए, आज तो फर्स्ट ही है, रेजोल्यूशन लीजिए एंड स्टे ऑन देम, बाय बाय, टेक केयर।